जय हिंद। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपको इस तरह का मैसेज आता है, जैसे कि मैसेज आया हुआ है BOI इतना 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 ऐसे ऐसे ऐसे, तो दोस्तों ये किस चीज़ का मैसेज है ये पूछने के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सही जगह पे आए हो, आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा किस चीज़ का ये मैसेज है। उसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कहीं उधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेट्रोल, समय और बहुत सारी चीज़ें बचा कर आप वीडियो को देख सकते हो, 1-2 मिनट का वीडियो होता है। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि ये 118 पे कटने का मैसेज इस तरह से क्यों आता है। चलिए, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों ये मैसेज आता है, आपको बता दूं 1-2 मिनट का वीडियो है, पूरा वीडियो देखना, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, BOI बैंक ऑफ इंडिया ₹118 डेबिटेड TRF ट्रांसफर NACH मैंडेट रेगुलेशन चार्जेस। तो ये किस चीज़ का है, ये होता है अगर मान लो मैं हूँ, मैंने बैंक ऑफ इंडिया से, मेरा बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है और मैंने कहीं से लोन लिया, चाहे वो मैंने क्या बोलते हैं बजाज फाइनेंस से लिया हो, IDFC फर्स्ट से लिया हो, बाइक का लोन लिया हो, ऑटो का लोन लिया हो, कार का लोन लिया हो, कहीं भी लोन लिया है मैंने प्राइवेट कंपनी से, तो मैंने अपने लोन लेते समय बैंक की डिटेल दी हो, उनके साथ साझा की हो, साथ ही साथ बैंक का क्रॉस चेक कैंसिल चेक दिया हो, तो वो क्या करते, और हमने बैंक की डिटेल इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे बैंक से ही सीधा लोन का हफ्ता कट जाए, लोन की जो अमाउंट होती है, लोन की जो राशि होती है, सीधा मेरे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट से कट जाए, इसलिए हम बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल देते हैं। तो उसको बोलते हैं NACH दोस्तों। NACH मतलब सीधा आपके अकाउंट से, हाँ जी, जो EMI है सीधा आपके बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट से कट के जहाँ पे जाना है, जहाँ मान लो बजाज फाइनेंस हुआ है या IDFC फर्स्ट हुआ या जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ पहुँच जाए, उसके लिए हम एक फॉर्म भरते हैं जिसको बोलते हैं NACH मैंडेट फॉर्म। तो जब वो फॉर्म भर के हम, वो कौन भरवाता है, जहाँ से हमने लोन लिया है वही भरवाते, तो वो भरवा के वो बैंक ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस भेजते हैं, और बैंक ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस से जब पास हो जाता है मैंडेट, तो ₹118 चार्ज लगता है, वन टाइम का चार्ज है। एक बार लोन लोगे तो ₹118 एक बार कटेगा, दो जगह बार लोन लोगे दो बार कटेगा, 118 118, तो ये मैंडेट का चार्ज है, वन टाइम कटता है, ठीक है दोस्तों। बाउंस होने का चार्ज कटता है वो तो ₹177 कटता है। अगर आपको नहीं पता है कि किस पे कितना चार्ज लगता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, आपको नहीं पता है तो चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी और आपको सब जानकारी मिल जाएगी। और हाँ देखिए दोस्तों, मेरा भी पैसे कटा है ₹118, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी कहीं से लोन लिया हुआ है, किस चीज़ का लोन है वो तो बता के क्या करूँगा, आप जान के क्या करोगे, 3 तारीख का ये लोन लिया, 3 तारीख को मेरा हफ्ता कटा है, 3 तारीख को मैंडेट का चार्ज कटा है और हर महीने मेरे अकाउंट से डेबिट होता रहेगा पैसा। फिलहाल इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।